बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद अरसलान व्लॉग्स। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम बकरा मंडी से बकरा लेके आए थे कुर्बानी के लिए। वो माशाल्लाह से हम घर ले आए थे और वो हमने ना अपने हमसाए घर बांधा हुआ था ताकि वो हमारे अभी उसको नहाया वगैरह नहीं है ना। आज उसको लेके जाते हैं, उसके कान पर वो चिच्चड़ होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं उसके कान पर, वो भी हैं, उनकी दवाई भी मैं लेके आया हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये है जी, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा इसका नाम वगैरह। माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी करेंगे, ये कैसी दवाई, अगर अच्छी होती है आपको दिखाएंगे भी सही कि आप भी अपने अगर किसी बकरे का चिचड़ वगैरह हो तो उसके लिए इस्तेमाल करें। अब चलते हैं जी, बकरा लेके आते हैं हम चाहे घर से और उसको नहाते भी हैं, दवाई भी लगाते हैं। चलो चलो चलो, बकरा लेके आते हैं और उसके ऊपर ये दवाई लगाते हैं और फिर उसको नहाना भी है। दस्ताने और मास्क वगैरह हमने पहन लिया है। ये बकरे को हम उनके हमसाए के घर से ले आए हैं, अब ये पानी इसमें भर लिया बोतल में और अब ये जो है ना दवाई ये इसमें मिलाते हैं। जिनसे दवाई लेके आए थे ना उनने कहा इसको दवाई ध्यान से लगानी है, इसके मुंह वगैरह में ना जाए, इसलिए हमने इसकी जो रस्सी है ना ये बिल्कुल टाइट कर दी है। अब इसको पहले दवाई लगाते हैं। हमने कहा जहाँ जहाँ पे चिचड़ है ना वहाँ वहाँ दवाई लगा दो, लेकिन हम इसके पूरे जिस्म पे लगा देंगे। हमने कहा था इसको ना अभी जब दवाई लगाएंगे ना उसके बाद इसको खारिश होगी बहुत। अपनी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखना। हमने लगा दिया, इसको 15-20 मिनट लगे रहेगी, उसके बाद इसको नहा देंगे। 20 मिनट्स लेटर, 15-20 मिनट हो गए दवाई लगाए को, अब इसको नहाते हैं। नहाने में हमें एक ब्रश जैसे कपड़े धोते हैं और एक शैम्पू और पानी चलाते हैं और अब इसको नहाते हैं। बकरे को हमने नहा के इधर बांध दिया, इधर थोड़ी देर धूप वगैरह लगवा लेगा फिर इसको छत पे ले जाएंगे।
बकरे को नहान हो के इसको धूप में खड़ा कर दिया ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो खुश्क हो जाए। अब माशाल्लाह से देखे कैसे शाइन मार रहा है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको घाट के पीछे लेके आया था, मैंने कहा यहाँ पे इसको थोड़ा सैर वगैरह करवाते हैं फिर इसको ऊपर छत पे लेके चलते हैं। छत पे लेके जाना भी अपने आप में एक मिशन होगा, सीढ़ियाँ तो चढ़ने से रहा। माशाल्लाह से देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा। इसकी जो रस्सी वगैरह ना ये भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में चेंज करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसकी कीमत में हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। इसकी जो कीमत है ना वो हमें डिमांड कर रहे थे जी 56 यानी कि 56,000 रुपये, फिर इसका जो फाइनल हुआ था वो हुआ था जी 51,000 में 51,000। और उससे पहले जो बकरा देख रहे थे ना वाइट वाला उसकी वो डिमांड कर रहे थे 50,000 और हमने उनको 46 कहा था, फिर वो 46 में मान गए थे और फिर हमने वो वाला बकरा नहीं लिया और फिर हमने ये वाला ले लिया था। पिछले साल जो हमने बकरा लिया था ना वो हमारा आया था जी 24,500 रुपये का, उसकी भी तस्वीर आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी वो ये माशाल्लाह से हमें इस बार अच्छा भी मिल गया और बड़ा भी मिल गया। अगले साल हमने ये सोचा था कि अगले साल हम दो बकरे ले लिया करेंगे और उनको आदल पे दे दिया करेंगे, जो भी कुर्बानी के ऊपर एक हमारा होगा एक एक उनका इंशाल्लाह, वो भी अगले इस ईद के बाद लेने चलेंगे, बकरा ईद के बाद लेने चलेंगे वो भी। माशाल्लाह से देखें नहाने के बाद कितनी शाइन मार रही है। आप इसको छत पे लेके चलते हैं। A few moments later, फाइनली ऊपर आ गया ये बकरा को मैंने ऊपर ला के ना यहाँ पे कील ठोक के ना ये बोला यहाँ पे इसके अभी इसको बांध दिया, यहाँ पे इसका पानी ये थोड़ा सा दाना कबूतरों वाला और यहाँ पे टाली खड़ी कर दिया, इसके अंदर इसकी घास वगैरह रखेंगे, ये इसकी घास खरगोशों वाले जो घास लेके आते ना यही वाली इसको डाल देंगे। इसको मैंने यहाँ पे घास वगैरह भी रख दिया, इसको इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी ना उसके अंदर इसको सजाएंगे, इसके यहाँ पे जो वो इस तरह का लगता है ना फैंसी वो लगाएंगे इंशाल्लाह, इसके पाँव में घुंघरू शुंगरू डालेंगे। यहीं पे करते हैं आज की वीडियो का, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में खड़े हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। तब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।